नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड। आज हम आपको उत्तराखंड की पेपर क्वीन से मिलवाने वाले हैं। जी हां, सही सुना आपने, उत्तराखंड के बाजपुर शहर में रहने वाली इस महिला का नाम रूबी है और लोग इन्हें पेपर क्वीन के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि पेपर से रूबी ऐसी ऐसी ड्रेस बना देती है जिन्हें देखकर सब हैरान रह जाते हैं। करवा चौथ का त्योहार आया तो भला ऐसा कैसे हो सकता था कि रूबी इस मौके पर भी पेपर की कोई अनूठी ड्रेस ना बनाती। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा किया कि रूबी सुर्खियां बन गई। चलिए दिखाते हैं आपको पेपर क्वीन कही जाने वाली रूबी का नया कारनामा, जिसके सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ बड़ी बड़ी चर्चा है। यही है रूबी, जो कहलाती है पेपर क्वीन। रूबी जिस साड़ी में आपको नजर आ रही है, वो साड़ी उन्होंने अखबारों से तैयार की है। ऐसे अखबार जिन्हें पढ़ने के बाद आप और हम रद्दी मानकर फेंक देते हैं, लेकिन रूबी अखबारों को रद्दी नहीं समझती। अखबार उनके लिए बड़े कीमती होते हैं। अखबारों से वो ऐसी ऐसी ड्रेस बना देती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। करवा चौथ पर रूबी ने जब अपने हाथों से बनाई अखबारों की ये खूबसूरत साड़ी पहनी और अखबारी साड़ी पहनकर वो झूमी, तो उनका ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। रूबी का नया कारनामा सुर्खियां बन गया। रूबी ने करवा चौथ के लिए अखबारों से सिर्फ ये साड़ी ही नहीं बनाई, ओढ़नी जैसी चुनरी भी कहते हैं, वो भी अखबारों से बनाई है। दावा है कि अखबार से करवा चौथ की ड्रेस बनाकर रूबी इस तरह का कारनामा करने वाली दुनिया की पहली महिला है। और आज बहुत ही पवित्र दिन है, इसलिए मैंने ड्रेस बना के ये पहनी है। बाकी महिलाओं से भी यही कहूंगी कि आप जो बेस्ट मटेरियल के सामान होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, उनको ना फेंक कर अच्छी चीजें बनाएं, उनको यूज करें। और वैसे भी ज्यादा गंदगी होने से वातावरण भी अशुद्ध रहता है। पेपर क्वीन रूबी उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव की रहने वाली है, लेकिन अपने हुनर की वजह से उनका नाम और काम देश और दुनिया में चर्चा बटोर रहा है। वाकई रूबी का हुनर काबिले तारीफ है, क्योंकि रद्दी हो चुके अखबारों से ऐसा आइडिया हर किसी के दिमाग में तो नहीं आता। हालांकि रद्दी अखबारों से कई तरह की चीजें बनती हैं और बिकती भी हैं, लेकिन कोई अखबारों से साड़ी बना दे और वायरल हो जाए, ऐसा तो कम ही होता है। रूबी के मुताबिक वो अब तक अखबारों से 60 ड्रेसेस बना चुकी है। आज की हमारी इस खबर में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।